Hello everyone, now let's solve this problem using manual method, right? तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिम्स एल्गोरिदम का, जिसको एक एल्गोरिदम अप्रोच के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने। चले तो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मैनुअल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? सेम यही अप्रोच अप्लाई करेंगे, नाउ ध्यान दीजिएगा, सिंपल। तो यस, तो सबसे पहले डू वन थिंग अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम ऑल्सो, कि सबसे पहले सारे वर्टेक्स पे हम इन्फिनिटी और निल लिख देते हैं। निल की जगह हम एन यूज कर रहे हैं, एन एन एन, इन्फिनिटिव नल नल, इन्फिनिटिव नल, सब पे हमने लिख दिया इन्फिनिटिव नल, राइट? सारे वर्टेक्स के ऊपर, राइट? उसके बाद किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया एज ए रूट, हमने सपोज करी ए को सेलेक्ट किया था, ए को लिया हमने, इसको किया जीरो और एन तो ऐसे ही रहने दिया, राइट? अब क्या किया, अब इससे सारे वर्टेक्स कौन कौन कनेक्टेड है, एडजेसेंट कौन कौन है, बी है, ई है और एफ है। तो बी पे देखिए, यहाँ पे थ्री है, तो थ्री यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थ्री इन्फिनिटी, मिनिमम कौन है, दैट इज द थ्री, तो आप इसको थ्री कर दीजिएगा। और कहाँ से आया था, ए से, तो ए लिख दीजिएगा यहाँ पे, राइट? नाउ अब आइए ई पे, हाँ डी भी एडजेसेंट है, तो डी पे आइए, तो डी के लिए अभी मेरा ये थ्री है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो मिनिमम कौन है, दैट विल बी द थ्री और पेरेंट कौन बन गया, ए बन गया, राइट? नाउ कम टू द ई, ई पे यहाँ पे फाइव है, वेट फाइव है, बट यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो डेफिनेटली ये अपडेट होगा, फाइव हो जाएगा और इसका पेरेंट भी अपडेट होगा, दैट इज विल बी द ए। नाउ ए, नाउ ए वंस अगेन, एफ इज द एडजेसेंट ऑफ सिक्स, तो क्या करूं, सिक्स हो गया, तो और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे सिक्स और पेरेंट इज ए, राइट? ओके, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब ए इज एक्सट्रैक्टेड, ए इज एक्सट्रैक्टेड, राइट? एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब मेरे पास, अब आइए कौन कौन मेरे पास वर्टेक्स बचे, मेरे पास बचा बी सी डी ई एफ। अब इन पांचों में ये देखिए कि मिनिमम कौन है, मिनिमम की किसकी वैल्यू है, तो ये तो थ्री है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सिक्स है, तो आप इन दोनों में से थ्री थ्री में से किसी को भी ले सकते हैं, राइट? अगर आपने किसी एक को लिया तो दैट डिफरेंट, अगर अगेन वही चीज है सेम, कि आपकी स्पैनिंग ट्री डिफरेंट हो सकती है, बट कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री विल बी द सेम। तो अभी मैं बी लेने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस एल्गोरिदम अप्रोच में देखा था, बी लेता हूँ, अब मैं इस पे आ गया बी पे, ध्यान दीजिएगा, और बी पे आ गया, बी का एडजेसेंट कौन कौन है, बी का एडजेसेंट सी है, डी है, ई है, ए भी है, ए तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड हो चुका है, इसको तो हम विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड। अब मेरे पास आइए सी पे आइए, तो सी से अगर मैं ये रास्ता फॉलो करता हूँ, दैट विल बी द टू और पहले से इन्फिनिटी है, तो मिनिमम मेरा टू है, तो इसको टू करके और यहाँ पे पैरेंट चेंज कर दूंगा, बी कर दूंगा। नाउ कम टू दिस वन, बी टू डी, बी टू डी इज सिक्स, बट पहले से मेरे पास थ्री है, तो ये सिक्स आ रहा है और ये पहले से थ्री है, तो मिनिमम कौन होगा, थ्री है, तो इसको एज ही छोड़ देंगे। Now come to this BE. Yes, listen, BE, BE, A 1 है, but पहले से 5 है, तो 5 और 1 में 1 minimum है, तो हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 से अपडेट कर देंगे और उसका पेरेंट B कर देंगे, राइट? चलिए अब ये तीन हो गए और तो कोई नहीं बचा, बस तो ये B का एडजेसेंट C D E हो चुका, अब ये B को भी हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, एक्सट्रैक्ट मीन एक्सट्रैक्टेड हो गया। नाउ अब कौन कौन नोड बचे मेरे पास, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ में मिनिमम कौन है, ये ई वाला मिनिमम है, क्योंकि वन वेट है इसका, वन की वैल्यू है, राइट? तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इससे कौन कौन वर्टेक्स कनेक्टेड है, एडजेसेंट कौन कौन है, एफ है, डी है और बी ए भी है, बट बी ए तो एक्सट्रैक्टेड है, ऑलरेडी विजिटेड है। अब मैं एफ और डी की बात करूंगा, F और D में यहाँ से देखिएगा, F E की E F की वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो 6 और 1, डेफिनेटली 1 को चूज करूंगा, तो 1 लिया और उसका पेरेंट भी अपडेट हो गया, दैट विल बी द E, राइट? अब इधर आइए, यहाँ पे जाइए, E D की वैल्यू 8 है, बट यहाँ पे 3 है, तो क्यों चेंज करूंगा, हमें तो मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम में 3 रखूंगा, नो अपडेशन, राइट? अब ये E भी एक्सट्रैक्ट हो चुका Q से। नाउ अब कौन कौन बचा, सी डी ई बचा, सी डी में बताइए, ये तो वन है, ये थ्री है और यहाँ पे टू है, कौन मिनिमम है, एफ मिनिमम है, तो एफ को सेलेक्ट किया, एफ से बताइए कौन कौन है, कौन कौन एडजेसेंट है, ए और ई है, तो और ए और ई ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, देखिएगा इसमें भी हम लोग यही किए थे,
जब f का नंबर आया था तो f में हमारे पास a और e था, और a ही तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड था, तो इसमें तो वही चीज, सेम चीज अगर देखा जाए ध्यान से तो सेम वही चीज हो रही है और कुछ नहीं। तो f का ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, तो f भी खत्म हो गया। नाउ अब कौन कौन नोड बचे मेरे पास, c और d। c d में मिनिमम कौन है बताइए, टू मिनिमम। c को सेलेक्ट करिए, और c से एडजेसेंट कौन है, d है। c d है और b तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, तो b से d आइए, ये 5 है, c d की 5 है बट ये 3 है, तो क्यों चेंज करूंगा, नो चेंज, तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो ये भी खत्म हो गया, एक्सट्रैक्टेड हो गया। नाउ लास्ट में ये बचा, इसका कोई कंप्यूटर नहीं, तो ये भी एक्सट्रैक्टेड हो गया। इतना हो गया, नाउ कम टू दिस स्पैनिंग ट्री पे आइए। ए ए बी सी डी ई एफ, राइट। अब भाई बताइए, सबसे पहले तो ये रूट हमने चूज कर ही लिया था। अब आइए बी पे आइए, बी का पेरेंट कौन दिख रहा है, वेरी इजी, बी का पेरेंट कौन दिख रहा है, ए, तो तुरंत ए को कनेक्ट करिए यहाँ से, ठीक, वेट रख दीजिएगा 3। अब आइए सी पे, सी का पेरेंट कौन दिख रहा है, बी, तो सी को बी से कनेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 हो गया। नाउ डी पे आइए, डी का पेरेंट कौन दिख रहा है, ए, तो ए को डी से कनेक्ट करिए, ये लीजिए कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे वेट 3 रख दीजिएगा। नाउ ई पे आइए, ई का पेरेंट कौन दिख रहा है, बी, तो बी को ई को बी से कनेक्ट करिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। एफ पे आइए, एफ का पेरेंट कौन दिख रहा है, ई, तो ई को कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से ई कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे वेट रख दिया 1, राइट। तो कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगेन 3 + 3 6 + 2 8 + 1 + 1 दैट इज 10, और यहाँ भी 10 आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री दैट इज 10, सेम आंसर आएगा, राइट। तो सिंपल, दिस इज एक्चुअली नॉट, ये मैनुअल अप्रोच, राइट, इस तरह सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम मैं लेना जा रहा हूँ, उसको भी मैनुअल से सॉल्व करता हूँ, और वो प्रॉब्लम किसका है, कोरमैन की प्रॉब्लम है, वो सेम उन्होंने ग्राफ जो दिया उसी ग्राफ को सॉल्व करते हैं, मैनुअल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो लेट्स डिस्कस, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक और प्रॉब्लम कि हाउ टू सॉल्व यूजिंग द मैनुअल अप्रोच, राइट, ओके, यस, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।